40 लाख सेल टैक्स चोरी का मामला, दो ट्रक जब्त। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में पुलिस नाकाबंदी के दौरान दो संदिग्ध ट्रकों की जांच की गई तो उसमें सेल टैक्स चोरी का मामला सामने आया। इस पर थाना प्रभारी सुमन प्रकाश ने सेल टैक्स कार्यालय को सूचित किया, जहां से सहायक सेल टैक्स अधिकारी भारतलाल मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के उपरांत दोनों ट्रकों के माल को सेल टैक्स चोरी का मामला बताते हुए जब्त कर लिया। सेल टैक्स अधिकारी भारतलाल मीणा ने बताया कि दोनों ट्रकों में लदे हुए माल की कीमत लगभग 40 लाख है। कार्रवाई करने वाली सेल टैक्स एवं पुलिस टीम में ACTO भारतलाल मीणा के साथ दिवाली थाना प्रभारी सुमन कुमार, सुरेश चंद, ASI भगवान सिंह, जय कुमार, अमरदीप एवं महेश कुमार कांस्टेबल थाना दिहोली शामिल रहे। विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए की जा रही सघन नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान आज दो ट्रक जब्त किए गए, जिनमें संदिग्ध माल मिला। प्रथम दृष्टया माल सेल टैक्स चोरी का है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग की टीम ACTO श्री भरतलाल मीणा जी द्वारा और उनकी टीम द्वारा माल को चेक किया गया, जिन्होंने सेल टैक्स चोरी का करीब 40 लाख का माल संदिग्ध पाया गया। इस संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। अवैध देशी शराब ले जाते हुए एक गिरफ्तार, बाड़ी की प्रमुख खबर। SP मनोज कुमार के निर्देशन में एवं ASP ADF देवेंद्र सिंह राजावत, DSP महेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में ASI पुरुषोत्तम शर्मा के पुलिस पार्टी के साथ कार्रवाई करते हुए वाटर बॉक्स के पास धनौरा रोड से नरेश ठाकुर को 65 पौवे अवैध देशी शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को पुरुषोत्तम शर्मा ASI के साथ हेमंत कुमार एवं सुमन प्रकाश कांस्टेबल शामिल रहे। अमित शर्मा बने NSUI राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश प्रभारी गुरजोत संधू व प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार NSUI के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की अनुशंसा पर खुड़िला राजाखेड़ा निवासी अमित शर्मा को NSUI राजाखेड़ा का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया। NSUI में पिछले वर्षों से शर्मा जिला प्रवक्ता एवं जिला सचिव पदों पर रह चुके हैं। ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर अमित शर्मा ने कहा कि संगठन मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। छात्रों के हितों के लिए काम करने और संगठन के विस्तार के लिए राजाखेड़ा क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को NSUI में जोड़ने का काम किया जाएगा। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जाधव की रिपोर्ट।